गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लेके आए हैं चैप्टर दो के, यानी कि चैप्टर दो नौवीं और दसवीं क्लास में चैप्टर नंबर दो है पॉलिनोमियल बहुपद। ये इस चैप्टर के फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले हैं ये लेके छठी सातवीं आठवीं से शुरू होते हैं और ये एंड तक, यानी कि किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम अगर कंडक्ट होता है तो उसमें ज्यादातर इनमें से एक फॉर्मूले पे डिपेंड एक क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम आता ही आता है। अगर ये फॉर्मूले हमें याद है तो इन फॉर्मूले के बेस पे जो भी सवाल अगर आएगा तो उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं, यहाँ पर 13 फॉर्मूले हैं, 13 फॉर्मूले हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं और इन फॉर्मूलों को आप बच्चे लिखिए और इनको याद करिए। जो बच्चे 9th और 10th में हैं बिल्कुल इनको याद करें, और जो बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनको जरूर याद करें। इनमें से ये फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आपको बताते हैं पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर भी लिखा जाता है, या फिर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab भी लिखा जाता है। दूसरा फॉर्मूला a माइनस के b का होल स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस में बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस के 2ab, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से हिसाब से आप याद कर सकते हैं, इस तरीके से याद करें या फिर इस तरीके से याद करें। तो अपना अपना चॉइसेबल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस में बी इंटू ए माइनस के बी, ये दोनों तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई भी फॉर्मूला, इसको आप ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, मतलब एक दूसरे जब इक्वल हैं तो कोई से को कोई से के बराबर लिखा जा सकता है। हो सकता है कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए और हो सकता है कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे क्या कहा जा रहा है, किस में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर ए प्लस में बी इंटू ए माइनस के बी आ जाए तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस तरीके से कोई सा भी कन्वर्ट करके आ सकता है कि इसको इसमें कन्वर्ट करना हो या इन दोनों को इसमें कन्वर्ट करके लिखना हो। चौथा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको लिखा जाएगा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू के ए प्लस बी, ये लिखा जाएगा, या फिर इसको ये जो ब्रैकेट है इसको खोल के हम ये भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में, इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करते हैं इसकी, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3ab की, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3a² b, और 3ab की b से मल्टीप्लाई करेंगे 3ab² की जगह ये आता है। तो बच्चे कहते हैं कि सर ये वाला याद करें, ये वाला याद करें, तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप ये वाला फॉर्मूला याद करें, ये तो इसको खोलने के बाद में भी आ जाएगा। पांचवा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, इसको आप ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट ए माइनस के बी, जैसे इसको ओपन किया था ब्रैकेट को खोला था, तो इसी तरीके से इसको भी खोल के हमने यहां पर कह दिया, तो इसको कहेंगे ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3a² b प्लस में 3ab². आगे छठा फॉर्मूला है a क्यूब प्लस में b क्यूब, ये फॉर्मूला है इक्वल a प्लस में b इन ब्रैकेट में a² माइनस के ab प्लस में b² और ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, यहां तो प्लस का है या माइनस का है, अगर यहां माइनस का तो क्या होगा, यहां पर पहले वाले में ब्रैकेट में माइनस का हो जाएगा ए माइनस के बी, और यहां पर जो ये माइनस का था ये प्लस के हो जाएंगे सारे के सारे, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, अगर ये आता है तो इसको आप ये लिख सकते हैं, अगर ये आता है तो इसको कन्वर्ट करके आप ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग, जो भी कन्वर्ट करने के लिए हमसे कहा जा रहा है उसके अनुसार हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। आगे ए रेस्ट पावर 4 माइनस के बी रेस्ट पावर 4, इसको आप ये लिख सकते हैं, यानी कि रेस्ट पावर 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर और उसका होल रेस्ट पावर 2 माइनस के बी स्क्वायर और उसका होल रेस्ट पावर 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप यानी कि ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इसका टुकड़े नहीं होंगे, सेम एज इट इज लिख दिया, इसको आप यहाँ इस फॉर्मूले के अनुसार, जो तीसरा फॉर्मूला है इसके अनुसार इसको ओपन करके लिख सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस के बी लिखा जा सकता है। नाइन्थ फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस में सी का होल स्क्वायर, यानी कि तीन नंबर है उनका होल स्क्वायर होगा तो कैसे लिखा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac, तो ये लिखा जाएगा। अगर यहाँ टेंथ नंबर पर, यहाँ अगर ये तीसरा नंबर जो है ये माइनस का हो और पहले दो नंबर प्लस के हो तो कैसे लिखा जाता है,
उसका होल स्क्वायर अगर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस के 2bc माइनस के 2ca। और इलेवेंथ फॉर्मूला है a माइनस के b प्लस में c का होल स्क्वायर, यानी कि यहां पर कह रहे हैं कि पहला नंबर और दूसरा ये थर्ड नंबर दोनों प्लस के हैं, बीच वाला जो है ये माइनस का है। तो इस फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2bc प्लस में 2ca, ये लिखा जाता है। आगे ट्वेल्थ नंबर का फॉर्मूला है a माइनस के b माइनस के c, यानी कि पहला नंबर आपका प्लस का है, दोनों नंबर जो बाद के हैं वो माइनस के हैं, उनका होल स्क्वायर अगर आप करते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस में 2bc माइनस के 2ca, ये होगा। इसके बाद में इसका थर्टींथ फॉर्मूला यानी कि लास्ट फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस के 3abc इक्वल टू ए प्लस में बी प्लस में सी, फिर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी, ये दो दो का जोड़ा बनाकर मल्टीप्लीकेशन करना है और बीच में यहाँ पर माइनस का साइन होगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है यहाँ पर ये तीनों नंबर कहा जाए ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब, सिर्फ इतना कहा जाए तो ये जो माइनस 3abc है वो इधर प्लस में लिखा जाएगा, ये कहां पर, यहां पर प्लस में 3abc लिखा जाएगा। तो इस तरीके से काफी फॉर्मूले बन जाते हैं पॉलिनोमियल के, और ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं शुरुआत से और कुछ हाई स्टैंडर्ड के फॉर्मूले यहां पर आपके लिए हैं, जो बच्चे 9th और 10th में हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन फॉर्मूलों को लिखकर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूला कोई भी आपसे दूर नहीं जाएगा, यानी कि आप सभी फॉर्मूलों को इजीली कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं, और हम हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पर न्यू सिलेबस, सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स को भी वहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।